सर्वधर्म कल्याणी जन सामाजिक संस्था एवं जर्नलिस्ट मीडिया सेंटर के द्वारा भोजन के पैकेट वितरण के साथ किया गया कच्चे राशन के पैकेट का वितरण, मास्क भी बांटे गए। मुजफ्फरनगर, देश भर में कोरोना आपदा के चलते जहां पूरा देश लॉकडाउन किया गया है और लॉकडाउन का 4 पार्ट शुरू हो चुका है, जिसके चलते केंद्र सरकार के नेतृत्व में सभी राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में असहाय एवं गरीब परिवारों को राशन पहुंचाने व खाने पीने की सामग्री उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य को लेकर दिन रात एक कर देश एवं प्रदेश की सुरक्षा को लेकर एक संकल्प के रूप में सेवा कर रही हैं। वहीं इसी क्रम में शहर कोतवाली क्षेत्र के मेमनाना रोड स्थित मोहम्मद अनवर फरीद रेडीमेंट वालों के यहाँ सर्व धर्म कल्याण जन सामाजिक संस्था के संस्थापक केपी कल्याणी के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए जर्नलिस्ट मीडिया सेंटर के पत्रकारों ने स्वादिष्ट बने भोजन के करीब 251 पैकेट जिला प्रशासन को, थाना शहर कोतवाली की फूड वैन को, सर्वधर्म कल्याणी जन सामाजिक संस्था के संरक्षक संपादक चौकी आवाज ठाकुर सुंदर सिंह सोम एवं जर्नलिस्ट मीडिया सेंटर के चेयरमैन के द्वारा खाने के पैकेट सौंपे गए। वहीं स्थानीय नागरिकों को संस्था के महासचिव पत्रकार मोहित कल्याणी, जनमत न्यूज जिला प्रभारी संजय कुमार कटारिया, सचिव सुरेंद्र चौधरी, संपादक प्रभु न्यूज अमित चौहान आदि के द्वारा बिना मास्क के घूम रहे क्षेत्रीय नागरिकों को मास्क वितरण किए गए। वहीं इसी के साथ साथ कुछ चुनिंदा असहाय परिवारों के सामने खाद्य राशन की परेशानी देखते हुए करीब दर्जन भर परिवारों को कच्चे राशन के पैकेट का वितरण भी किया गया। इस दौरान संस्था के संरक्षक ठाकुर सुंदर सिंह सोम ने कहा कि आपदा की घड़ी में संस्था के नेतृत्व में आज जो भोजन, खाद्य सामग्री एवं मास्क का वितरण पत्रकार सहयोग से किया गया है, उसके लिए सभी सहयोगी बधाई के पात्र हैं। मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती। इस दौरान जर्नलिस्ट मीडिया सेंटर की पूरी टीम जनहित के कार्यों में आगे भी इसी तरह का सहयोग करने का आश्वासन जर्नलिस्ट मीडिया सेंटर के चेयरमैन अर्षद राणा ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट। सामान ले लो, पैकेट बना रखे थे जी, और उसके बाद में मास्क था, तो उनको बहुत ही अच्छी तरीके से इन भाइयों कोतवाली की फूड वैन को, कोतवाली की फूड वैन के लिए पैकेट तैयार कराए गए थे, 200-150 पैकेट थे जो इन्होंने वहाँ पे भिजवाए। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप इससे? सबसे पहले तो ये संदेश है कि सर्वधर्म कल्याणी जो हमारी जन संस्था है, इस संस्था से सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं। अभी मुस्लिम समुदाय के लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी समाज के लोग हों, इस संस्था से वो लोग जुड़ सकते हैं। जी चेयरमैन साहब, बताइए आज किस तरीके का वितरण किया गया है यहाँ पर? जैसा कि आपको पता है कि पूरा देश इस टाइम महामारी कोरोना से जूझ रहा है, और गरीब लोग इस टाइम इस आपदा में बहुत परेशान हैं। तो जहाँ कभी भी ज़रूरत ऐसी पड़ती है, कभी कोई आपदा का ऐसा समय आता है, तो पत्रकार एसोसिएशन आगे बढ़ चढ़कर उस चीज़ को मदद के लिए आगे आता है। तो इसी तरह आज मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में जर्नलिस्ट मीडिया सेंटर परिवार ने आगे आकर गरीबों की मदद के लिए आगे अपना हाथ बढ़ाया और लोगों की सेवा करने का काम किया। जो भी राशन का काम था उसे को यहाँ पर हमने सभी को देने का काम किया, और आगे भी जर्नलिस्ट मीडिया सेंटर परिवार इसी तरह की गतिविधियाँ अपनी हर तरीके से आगे बढ़ाता रहेगा।